व्यभिचार के अटैक होते थे तो मैं लड़कियों के साथ गलत संबंध बनाती थी। गलत वीडियो देखना, मेरे को गुस्सा बहुत आता था। मेरे को लगता था कि मेरे को सुसाइड करना है। नाम है आपका? अमन मसीह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जलंधर। पिछले 12 साल से आपके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। हाँ जी। क्या क्या होता था जब अटैक आपके ऊपर होते थे? तो मेरे को व्यभिचार के अटैक होते थे तो मैं लड़कियों के साथ गलत संबंध बनाती थी। अपने साथ गलत करना, गलत वीडियो देखना, मेरे को गुस्सा बहुत आता था। और आपको सपनों में ऐसा लगता था कि आप बहुत गहरे पानी में डूब रहे हैं? हाँ जी। और जब दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर बढ़ने लगे तो आपको अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं रहता था? हाँ जी। और रात को 3-3 बजे तक आप, और क्या क्या आपने आपके जीवन में होना शुरू हुआ? 3-3 बजे तक रात को जुआ खेलना, फिर चोरी करना, व्यभिचार करना, गलत वीडियोस देखना, ऐसे बहुत सारे पाप थे। नशा करना। कौन कौन सा नशा कर लेते थे आप उस समय? सिगरेट, ड्रिंक, भांग। व्यभिचार में भी थे, जुआ भी खेलते थे। हाँ, और इन नशों में भी पड़ चुके थे। और आप इतने ज्यादा, जब दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर बढ़ने लगे तो दुष्ट आत्मा का जब अटैक होता था तो आपको अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था कि मैं क्या कर रही हूँ। हाँ जी। और आपके मन में सुसाइड करने के ख्याल आते थे क्या? हाँ, कैसे कैसे ख्याल आते थे आपके मन में उस समय? मेरे को लगता था कि मेरे को सुसाइड करना है। मैंने, मेरी कबर में मेडिसिन पड़ी होती थी बहुत सारी, तो मैंने उसको ओवरडोज ले लेनी बहुत सारी, मतलब इकट्ठी सारी खा लेनी। कई बार मैं बालकनी में चलती थी हॉस्टल में तो मेरा दिल करता था मैं नीचे लांग लगा दूं, बस मैं मर जाऊं अभी। और इस तरह से आपने 3-4 बार सुसाइड करने की कोशिश की? हाँ जी। और कामरा चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला फिर? मेरे को यूट्यूब के द्वारा पता लगा था। और जब आपके लाइफ में व्यभिचार था, ये नशे थे, बुरी संगति थी, आपकी फैमिली को नहीं पता था इन चीजों के बारे में? नहीं, मेरी फैमिली ज्यादा जानती नहीं थी इस चीज के बारे में, क्योंकि मैं पिछले 9 साल से हॉस्टल में हूँ। मैं 3-4 साल हॉस्टल, मतलब 3-4 दिन के लिए घर पे आती थी। और आपके साथ जो लड़कियां, लड़के पढ़ते थे वो सभी नशा करते थे, सभी गलत कामों में थे? हाँ जी, मोस्टली सारे ही थे। और यूट्यूब के जरिए आपको कामरा चर्च के बारे में पता चला? हाँ था जी। जब आपने चर्च में आना शुरू किया, क्या कैसा महसूस हुआ आपको चर्च में आके? जब मैं चर्च में आ गई थी ना, मेरे को जब मैं खुदावंद के दास के वर्ड सुनी थी तो मेरे को पता लगता था कि नहीं, मैंने ये गलत चीजें नहीं करनी। तो मेरे को खुदावंद के दास बोलते थे कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तभी मेरे को था कि नहीं, ये परमेश्वर का मंदिर है, मैंने इसके साथ गलत नहीं करना। और 3 सितंबर 2020 को जब ऑनलाइन मीटिंग आप देख रहे थे तो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। डिलीवर होता हूं, आपको देख रहा हूं, आपके सपनों से, दुष्ट आत्माओं से, आपके सपनों में जो अटैक करती मैं उनसे आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। व्यभिचार की आत्मा जो आपको अटैक करती मैं आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। बहुत से चीजों से मैं आपको आजादी लेता हुआ देख रहा हूं। और जब आप ऑनलाइन इस मीटिंग को रिसीव कर रहे थे और इस वर्ड को आपने रिसीव किया, क्या हुआ आपके जीवन में उसके बाद? उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज होगी। कोई व्यभिचार नहीं, कोई चुगली, कोई नशा, कुछ भी नहीं, और कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं अभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितने समय से आप पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं? मैं पिछले 1.5 साल से बिल्कुल डिलीवर हूँ। और जो पहले लड़कियां, लड़के जो आपके साथ रहते थे, जो नशा करते थे, चोरी करते थे, व्यभिचार में थे, गालियां निकालते थे, गलत संगति में थे, और अभी जब आपको वो देखते हैं, क्या बोलते हैं फिर आपको देख के? वो मेरे को सिक्के का दूसरा पहलू बोलते हैं। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ कि परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में अद्भुत चमत्कार किया। ये बड़ा काम है परमेश्वर ने जो इनके जीवन में किया कि इतनी छोटी उम्र में ही इन्होंने नशे करने शुरू कर दिए। व्यभिचार में थे, चोरी, गालियां निकालना, हर गलत काम में ये शामिल थे, जुआ खेलते थे। लेकिन जब परमेश्वर की हुजूरी में आए, परमेश्वर ने इनको छुआ और इनका जीवन परिवर्तित हुआ। जीवन को परमेश्वर ने परिवर्तित नहीं किया बल्कि उसको इफेक्टिव बनाया। आज ये बहन पूरी तरह से 1.5 साल से हर तरह की उस बुरी चीजों से पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। सब जोर से अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे अपने हाथों को उठाते हुए। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।